चैप्टर एमिन का अध्ययन करेंगे जो कि कक्षा 12 में बोर्ड परीक्षा के अंदर 3 अंक का पूछा जाता है, 3 नंबर के इसमें सवाल आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि एमीन होती क्या है, किसे अपन एमीन कहते हैं। तो जो अमोनिया है, अमोनिया मतलब NH3, उसके एल्किल व्युत्पन्न एमीन कहलाते हैं। अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्नों को अमन एमीन कहते हैं। तो इसके अंदर जैसे मैं अमोनिया ले लेता हूं, यहां पर NH3, इसमें से मैं एक हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह के द्वारा हटा देता हूं तो अपने पास में RNH2 बनता है। इसी प्रकार इसमें से दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन यदि मैं दो एल्किल समूह के द्वारा करता हूं, हटाता हूं, तो RNHR मतलब 2° एमीन इसको बोलते हैं, यानी द्वितीय एमीन। यह है प्राथमिक एमीन, और सभी हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन यदि करते हैं तो यहां बनता है RNR और R, ये 3° एमीन है, मतलब तृतीयक एमीन है। अर्थात अमोनिया में एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करें तो प्राथमिक एमीन बनती है 1°, अमोनिया में दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करते हैं तो 2° यानी द्वितीयक एमीन बनती है, और अमोनिया में तीनों हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दें तो 3° या तृतीयक एमीन बनती है। ये एमीन जो है यानी RNH2 प्राथमिक है, ये द्वितीयक है, और ये तृतीयक है। अब इस प्रकार से अपन इन तीनों का जो नामकरण है, IUPAC नामकरण, वो अपन किस प्रकार से करते हैं उसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नामकरण करने के लिए आपको बता दें कि एमीन जो है, एमीन का एक तो आता है अनुलग्न, और अनुलग्न के अंदर इसका अपन अनुलग्न लिखते हैं एमीन, और एक आता है इसका पूर्व लग्न, और पूर्व लग्न लिखते हैं अपन एमिनो। एमीन और एमिनो, एमीन इसका अनुलग्न है और एमिनो इसका पूर्व लग्न है। तो नामांकन किस तरीके से करते हैं अपन और नामकरण किस प्रकार से करते हैं उसको मैं समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ अपना एग्जांपल है CH3CH2NH2। तो यहाँ पर अपने पास में आप देख पा रहे हो ये 1° एमीन है, और 1° एमीन में ये एक एथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन नंबरिंग दे तो 1 और 1 2। तो यहाँ पर दो कार्बन की श्रृंखला होगी, तो दो कार्बन की श्रृंखला के लिए लिखते हैं यहाँ पर एथेन, और आपका एक नंबर कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है एमीन, जिसका क्या लिखा जाएगा, अनुलग्न। यदि प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ा हुआ होता है तो वहां पर अपन लिखते हैं इसका पूर्व लग्न, जो कि होगा एमिनो। इसी प्रकार से जैसे मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, CH3CH2NH और CH2 और CH3, ये 2° एमीन का उदाहरण है। इसके ऊपर दो R समूह जुड़े हुए हैं, इधर भी एथिल जुड़ा है, इधर भी एथिल जुड़ा है, मतलब दोनों एथिल है, और तो यहां पर अपन क्या करें, इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर, ठीक है, दो कार्बन की अपनी श्रृंखला बनी, इसमें इसको नहीं लेना है। तो यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर एक एथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे N, N पे जुड़ा हुआ आपका एथिल, और श्रृंखला 2 कार्बन की है तो आ जाएगा एथेन, और आपका 1 नंबर कार्बन पे एमीन जुड़ा है, इसलिए एमीन। तो ये इसका ये विषय नाम हो गया। इसी प्रकार से, और वैसे इसका अगर सामान्य नाम देखा जाए, जनरल नेम, वो कैसे लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा एथिल, और एथिल मतलब डाई एथिल, और ये है आपकी एमीन। तो इसका सामान्य नाम मैं लिख देता हूं, डाई एथिल एमीन। इसी कड़ी में एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन, CH3CH2NCH3 और CH3। यहां पर देखिएगा, ये जुड़ा हुआ है एथिल, मतलब 2 कार्बन की श्रृंखला है, यहाँ 1 कार्बन की श्रृंखला है, यहाँ 1 कार्बन की है, तो अपने को इसको चुनना है। तो ये हो गया आपका 1 और 2। अब ये दोनों जो है नाइट्रोजन के ऊपर जुड़े हुए प्रतिस्थापी समूह, तो यहाँ आप लिखोगे N और N, मतलब NN, मतलब N के ऊपर 2 समूह जुड़े हुए, तो NN 2 के लिए आ जाएगा आपका डाई, डाई क्या जुड़े हुए, मेथिल, NN डाई मेथिल, 2 कार्बन की श्रृंखला है, मतलब एथेन, और आपका 1 नंबर पे आ जाएगा एमीन। यहाँ 1 अपन लिख भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों ही स्थितियां हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, लास्ट एग्जाम्पल, कि इनका नामकरण अपन कैसे करते हैं, एन CH2 और CH3, और यहाँ आपका हो गया मेथिल समूह। अब इसमें आप दोनों तरफ देख पा रहे हैं, इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, और इस तरफ 1 कार्बन है, तो अपन क्या करेंगे, ये अपन चुनेंगे 1 और 1 2। तो यहाँ आपका नाइट्रोजन के ऊपर जुड़ा हुआ है 1 मेथिल जुड़ा है, और 1 नाइट्रोजन पे एथिल जुड़ा है, तो N पे लिख लोगे आप एथिल, उसके बाद में N पे लिख लोगे आप मेथिल, उसके बाद में श्रृंखला आ जाएगी 2 कार्बन की एथेन, और 1 नंबर पे आपका आ जाएगा एमीन। इस प्रकार से इसका अपन IUPAC नाम लिखते हैं। यहाँ पर सामान्य नाम आपको बता दें, ये आपका एथिल है, ये एथिल है, और ये मेथिल है, तो इसका और एथिल समूह कितने हो गए, 2। तो सामान्य नाम इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डाई, डाई क्या आ जाएंगे, एथिल, ये आपका क्या हो जाएगा, मेथिल, और इसके बाद में ये क्या है, एमीन, ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा।
इसका सामान्य नाम अपन लिखें तो यहां पर दो मेथिल जुड़े हैं, एक एथिल जुड़ा है, तो यहां इसका लिखेंगे एथिल और डाइमेथिल और एमीन, ये इसका सामान्य नाम है। वैसे अगर पहचाना जाए तो ये कौन सी एमीन है, प्राथमिक मतलब 1 डिग्री एमीन है, ये कौन सी एमीन है सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री एमीन है, द्वितीयक एमीन ये कौन सी एमीन है 3 डिग्री मतलब तृतीयक एमीन, ये कौन सी एमीन है 3 डिग्री मतलब तृतीयक एमीन, ठीक है। इस प्रकार से अपन इनका IUPAC नाम और सामान्य नाम लिखते हैं। तो एमीन का नामकरण अपन इस तरीके से करते हैं, अगर प्रतिस्थापी समूह के रूप में जुड़ा है तो वहां पर एमीनो लिखते हैं। जैसे मैं आपका यहाँ पर एक एमीनो अम्ल ले लेता हूँ CH3CH2 और COOH और यहाँ पर मैं एक NH2 समूह जोड़ देता हूँ NH2, इसका नाम अपन लिखेंगे 1 2 3, ये आपका हो जाएगा प्रतिस्थापी समूह। अब यहाँ पर अपने को इसका लिखना है पूर्वलग्न, ये है मुख्य क्रियात्मक समूह जिसका अपने को लिखना है अनुलग्न, और इसका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। तो ओइक अम्ल कैसे लिखेंगे, तो यहाँ श्रृंखला 1 2 3 मतलब 3 2 कार्बन पे आपका क्या जाएगा एमिनो, मतलब इसका क्या लिखेंगे पूर्वलग्न 2 एमिनो और 3 कार्बन की श्रृंखला है प्रोपेन और 1 नंबर पर आपका आ जाएगा ओइक अम्ल। तो प्रतिस्थापी के रूप में अपने को लिखना है इसका पूर्वलग्न और मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में इसका लिखना है अनुलग्न। इस तरह से अपन इनका नामांकन करते हैं। तो ये है सारी एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसके बाद में अपन इसके अंदर समावयवता देखेंगे और समावयवता के बाद में इसकी बनाने की विधियां पढ़ेंगे। अब अपन अगली स्टेप में देखते हैं एमीन में समावयवता। एमीन में अपन समावयवता ज्ञात करेंगे कि एमीन में कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है। तो एमीन में सबसे पहले आपको बता दें एमीन के अंदर श्रृंखला समावयवता पाई जाती है और स्थिति समावयवता भी पाई जाती है, और उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है वो मध्यावयवता भी पाई जाती है, और अगर कीरियल कार्बन परमाणु उपस्थित हो तो वहां पर प्रकाशिक समावयवता पाई जाती है। लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि वो सभी एमीन के अंदर प्रकाशिक समावयवता नहीं पाई जाती है। श्रृंखला स्थिति और मध्यावयवता समावयवता की अपन बात कर लें, इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूं कि इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है एमीन का C4H11N, इसका साधारण जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, ठीक है। जैसे अपन मैं यहाँ पर लिख दूं CH3CH2 और NH2, इसका अपने को जनरल फॉर्मूला किसी भी एमीन का बनाना है तो हाइड्रोजन की संख्या 3, 2, 5 और 2, 7, तो यहाँ पर अपने को +3 करके बॉन्ड n, यानी ये इसका साधारण फॉर्मूला है। इसके हिसाब से n का मान यहाँ पे 4 रखूंगा तो 4 और ये हो जाएंगे 8 और 8 और 3 11, इसका मतलब ये फॉर्मूला अपना आ जाएगा। इसके अपन सूत्र बनाएंगे किस प्रकार से, उसके बाद में समावयवता देखेंगे। तो सबसे पहले अपन 1 डिग्री एमीन के फॉर्मूले बना लेते हैं, उसके बाद में अपन 2 डिग्री एमीन के फॉर्मूले बना लेते हैं, और उसके बाद 3 डिग्री एमीन के फॉर्मूले बना लेते हैं। तो 1 डिग्री एमीन में कार्बन परमाणु अपने पास में 4 है, 1 2 3 और 4, यहाँ पर मैंने एक NH2 समूह पहले कार्बन पे जोड़ दिया, उसके बाद में 1 2 3 और 4 इस NH2 को मैंने दूसरे नंबर कार्बन पे जोड़ दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर ये 4 कार्बन की जो श्रृंखला है, अब अपन 3 कार्बन की श्रृंखला बना लेते हैं 1 2 3, यहाँ पर मैंने 1 नंबर कार्बन पे जोड़ दिया, बीच में 1 कार्बन जोड़ दिया यहाँ पे, उसके बाद में चौथा जो है वो 1 2 और 3, यहाँ मैंने बीच वाले कार्बन पे NH2 जोड़ दिया और इसी पे मैंने कार्बन जोड़ दिया। बाकी संयोजकता अपन हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं। ये अपना फॉर्मूला 1 डिग्री एमीन का है, ये भी 1 डिग्री एमीन का फॉर्मूला है, और ये भी 1 डिग्री एमीन का फॉर्मूला है, और ये भी 1 डिग्री एमीन का फॉर्मूला है। अब इनमें इसी प्रकार से 2 डिग्री एमीन का फॉर्मूला देखते हैं, तो 1 और 2 और 3 मतलब 2 डिग्री एमीन मतलब NH, मतलब इसके ऊपर कितने हैं 8 समूह बताए अभी, 2 R समूह मतलब 2 LT समूह जुड़े होने चाहिए, ये हो गया। उसके बाद में 1 2 3 आप इसको यहां जोड़ दोगे NH और C, उसके बाद में तीसरा हो जाएगा 1 और 2, फिर बीच में आप जोड़ दोगे NH C और C, इस प्रकार से ये 3 फॉर्मूले इसके बनेंगे, ये 2 डिग्री एमीन के फॉर्मूले हो गए। और उसके बाद अपन इसके फॉर्मूले बनाएंगे 3 डिग्री एमीन के, 3 डिग्री एमीन के फॉर्मूले बनाएंगे, तो यहाँ पर 1 2 और ये एन हो गया, इसके ऊपर 3 एल्किल समूह अपने को जोड़ते हैं, ये 3 डिग्री एमीन का फॉर्मूला हो गया। तो ये अपने पास में इसका मतलब कुल 8 प्रकार के फॉर्मूले बने, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, जिसमें प्राथमिक एमीन के अपने पास में 4 फॉर्मूले बने, द्वितीय एमीन के अपने पास में 3 फॉर्मूले बने, और तृतीय एमीन का अपने पास में 1 फॉर्मूला बना। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये देखो ये NH2 समूह वो 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा है,
और ये NH2 समूह है वो दो नंबर कार्बन पे जुड़ा है, यानी इस NH2 समूह की स्थिति में परिवर्तन है, इसलिए यहां जो समावयवता आ जाएगी वो आ जाएगी स्थिति समावयवता। इसके बाद में अपन इन दोनों को अगर देखें तो इसमें देखो यहां पर NH2 है वो एक नंबर कार्बन पे जुड़ा है, या NH2 कितने पे जुड़ा है, दो पर जुड़ा है। श्रृंखला इसमें एक दो और तीन कार्बन की होगी, मतलब यहाँ चार कार्बन की श्रृंखला या तीन कार्बन की है, तो ये कैसे समावयवी हो गए, श्रृंखला। NH2 कितने पे जुड़ा है, दो पर, यहाँ NH2 कितने पर है, एक पर, इसका मतलब कौन सी समावयवता आ जाएगी, स्थिति समावयवता भिन्न में आ जाएगी। इसके बाद में इन दोनों की बात कर लें तो इसमें NH2 कितने नंबर पे जुड़ा है, एक नंबर पे जुड़ा है, यहाँ NH2 कितने पर है, दो नंबर पर NH2 है, और श्रृंखला कितने कार्बन की है, तीन, यहाँ भी कितने कार्बन की है, तीन, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी समावयवता है, खाली स्थिति समावयवता है, श्रृंखला समावयवता इसके अंदर नहीं है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, ये देखो ये जो समावयवता है इन तीनों में आपस में, इन तीनों में ये समावयवता आएगी, कौन सी, मध्यावयवता। मध्यावयवता समावयवता वो होती है कि वह समावयवता जिसमें जुड़ने वाले क्रियात्मक समूह भी समान हो और प्रतिस्थापी समूह भिन्न भिन्न हो, वहां पर अपन मध्यावयवता समावयवता निकालते हैं। जैसे ये 2 डिग्री एमीन है, ये भी 2 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, मतलब क्रियात्मक समूह तीनों में समान है। यहाँ मेथिल जुड़ा है लेकिन यहाँ आइसोप्रोपिल जुड़ा है, यहाँ प्रोपिल जुड़ा है, यहाँ मेथिल जुड़ा है, यहाँ दो एथिल जुड़े हैं, ये भी एथिल जुड़ा है, तो एक एथिल इधर एक इधर है। अब इन तीनों को अगर देखा जाए तो ये आपस में मध्यावयवता दर्शाएंगे ये तीनों, और ये वाला जो है वो इनके साथ में, और सभी जो है वो आपस में किस प्रकार की समावयवता दर्शाते हैं, मतलब कौन से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन आपस में कौन सी समावयवता दर्शाएंगे, क्रियात्मक समूह है समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से अपन एमीन के अंदर समावयवता निकालते हैं, तो श्रृंखला समावयवता भी आएगी, स्थिति भी आएगी, और उसके बाद में मध्यावयवता समावयवता भी आएगी। आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज और बता दें कि यदि कहीं पर किरियल कार्बन परमाणु आपको नजर आता है तो वहां पर प्रकाशिक समावयवता पाई जा सकती है। इसमें देखिए इस कार्बन को मैं किरियल कार्बन नाम देता हूं क्योंकि यहां पर इस कार्बन में एक एच जुड़ा हुआ है, एक मेथिल जुड़ा है, एक एथिल जुड़ा है और एक NH2 समूह जुड़ा है, मतलब कार्बन पर जुड़ने वाले चारों समूह अलग अलग हैं। तो यहाँ पर ये जो समूह है यानी ये जो एमीन है वो कौन सी समावयवता दर्शाएगी, वो प्रकाशिक समावयवता भी प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से अपन एमीन के अंदर समावयवता है वो निकालते हैं। 1 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन से कौन सी समावयवता दर्शाएगी, क्रियात्मक समूह है। 2 डिग्री 3 डिग्री से कैसे दर्शाएगी, क्रियात्मक समूह है। 2 डिग्री के जितने भी फॉर्मूले हैं वो कौन से दर्शाएंगे, मध्यावयवता। और 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री ये आपस में किस प्रकार से की निकालते हैं, क्रियात्मक समूह है। और 1 डिग्री में आपस में कौन सी है, स्थिति श्रृंखला समावयवता, और किरियल कार्बन होने पर प्रकाशिक समावयवता पाई जाती है। इस तरीके से अपन किसी भी प्रकार की एमीन के अंदर अपन समावयवता आराम से निकाल सकते हैं।